हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बॉट गेमिंग। तो दोस्तों, आज हमारी वीडियो का टॉपिक रहने वाला है कि 10 ऐसी गलतियां जो बिगिनर्स करते हैं शुरुआत में और फिर उनको गेम खेलने में होती है प्रॉब्लम। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। मिस्टेक 1, एक्सपेंसिव आर्मी फॉर बैड लूट। तो दोस्तों, कुछ लोग क्या करते हैं, लूट के लिए ना इतनी महंगी महंगी आर्मी निकाल लेते हैं। जैसे कि ये है 4 लाख से ज़्यादा एलिक्सर की है ये आर्मी, और ये 6000 डार्क एलिक्सर, मतलब ऐसी महंगी महंगी आर्मी। ये आर्मीज़ जो होती हैं, ये आर्मी बेसिकली होती हैं वॉर में अटैक करने के लिए, लेकिन बिगिनर्स जो होते हैं वो इस आर्मी से लूट करते हैं, और वो इतनी महंगी आर्मी होती है, क्या ही वो लूट कर पाते होंगे। तो इस तरह से आर्मी को करने के लिए फार्मिंग अटैक्स होते हैं, जिसकी मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाई हुई है। आई बटन पर ऊपर क्लिक करके आप वो फार्मिंग अटैक्स देख सकते हैं। मिस्टेक नंबर 2, ओनली लर्निंग वन अटैक स्ट्रेटजी। कुछ प्लेयर्स का क्या होता है कि वो सिर्फ एक ही अटैक स्ट्रेटजी पकड़ कर बैठ जाते हैं, जो उन्होंने स्टार्टिंग में करी है बस वो ही करते रहेंगे, कुछ नया नहीं सीखेंगे। आपको क्या करना है कि नई नई अटैक स्ट्रेटजी सीखनी है, लैंड अटैक स्ट्रेटजी सीखनी है, एयर अटैक स्ट्रेटजी सीखनी है, क्योंकि कुछ बेस की वीकनेस कुछ और होती है, वहाँ पर कोई और अटैक चलता है। किसी और बेस पर आप एयर अटैक करके 3 स्टार ला सकते हैं, किसी और बेस पर आप लैंड अटैक करके 3 स्टार ला सकते हैं। तो आपको नई नई स्ट्रेटजी सीखनी है, इसी तरह से आप गेम में आगे बढ़ पाएंगे। और सबसे बड़ी चीज़ कि आज के टाइम में यूट्यूब है, यूट्यूब पर आप अपने अपने टाउन हॉल के हिसाब से अटैक स्ट्रेटजी सीखिए और समझिए, उससे आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा और काफ़ी हेल्प मिलेगी आपको चीज़ें सीखने के लिए, समझने के लिए। तो मैं समझता हूँ कि आप नई नई अटैक स्ट्रेटजी सीखें, इसमें आपको आगे बढ़ने में काफ़ी हेल्प मिलेगी। ये भी एक गलती है जो बिगिनर्स करते हैं। मिस्टेक नंबर 3, जॉइनिंग बैड क्लैन। अब कुछ लोगों का क्या है कि वो क्या है, कोई भी क्लैन ज्वाइन करके बैठ जाएंगे, मतलब वहाँ पर प्लेयर एक्टिव हैं या नहीं है कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्लैन वॉर हो रही है नहीं है कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और मतलब इनएक्टिव क्लैन को ज्वाइन कर लेंगे, या फिर वहाँ पर डोनेशंस नहीं दे रहे बिल्कुल भी प्लेयर्स, तो ऐसे क्लैन को ज्वाइन कर लेंगे जहाँ पर डोनेशन नहीं है, कोई डोनेट नहीं कर रहा कुछ भी। उससे क्या होता है, आपको प्रोग्रेस नहीं होती आपकी गेम में बिल्कुल भी, आपको कोई डोनेट नहीं करता, आप वॉर में नहीं लिए जाते हो, या फिर वॉर वहाँ पर नहीं होती है या CWL नहीं होता है। तो इससे क्या होता है कि आपको कोई वहाँ पर गाइड भी नहीं करता है, तो चीज़ें नहीं बताता है क्या सही कर रहे हो आप क्या गलत कर रहे हो, तो वहाँ पर आपको ना प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिल पाती है, जिस वजह से क्या होता है कि प्लेयर्स पीछे रह जाते हैं और वो फिर बाद में खेलना छोड़ देते हैं। मिस्टेक नंबर 4, रशिंग टू द नेक्स्ट टाउन हॉल टू अर्ली। अब क्या होता है कि कुछ प्लेयर्स को अब अगले टाउन हॉल पर जाने की जल्दी लगी रहती है। अब जैसे इनका बेस है, मैं इनका बेस देख रहा हूँ कि मतलब टाउन हॉल 14 पर है और चीज़ें इनकी टाउन हॉल 11 की भी नहीं है सही से अपग्रेड, कुछ चीज़ें टाउन हॉल 10 की हैं। अब क्या होता है कि वो आ तो जाते हैं टाउन हॉल 14 पर, लेकिन फिर उनको चीज़ें अपग्रेड करने में इतनी प्रॉब्लम होती है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, और वो क्या करते हैं कि फिर गेम बोरिंग लगने लगता है क्योंकि चीज़ें अपग्रेड होने में इतना टाइम ले रही होती हैं। तो ये भी एक बड़ी मिस्टेक है। मिस्टेक नंबर 5, नॉट हैविंग एन अपग्रेड प्लान। अब क्या होता है कि कुछ प्लेयर्स जो होता है उनके पास मतलब चीज़ें तो वो सही से करके चल रहे होते हैं, लेकिन उनका कोई अपग्रेड का प्लान ही नहीं होता। जैसे ही वो अगले टाउन हॉल पर जाते हैं तो मतलब कुछ भी उल्टी सीधी चीज़ें अपग्रेड पर लगा देते हैं। अब जैसे कि सबसे जो बेस्ट तरीका होता है कि आप अपना आर्मी कैंप अपग्रेड करें, या फिर सबसे पहले आप अपना लैब अपग्रेड करें, जिससे क्या कहते हैं आपको अटैक करने में आसानी हो और भी चीज़ें करने में आसानी हो जैसे ही आप अपना नेक्स्ट टाउन हॉल पर आते हैं। तो इन सब छोटी छोटी चीज़ों को लोग बाग ध्यान नहीं देते हैं और फिर उल्टी सीधी चीज़ें अपग्रेड करने में लगे रहते हैं। अब आपका आर्मी कैंप अगर अपग्रेडेड होगा तो आप कहीं पर भी अटैक कर रहे हैं, वॉर में भी कर रहे हैं, तो आपके पास प्रॉपर आर्मी होगी अटैक करने के लिए। अब मैंने सबसे पहले क्या किया था, जब मैं टाउन हॉल 13 पर आया था तो मैंने सबसे पहले अपने आर्मी कैंप अपग्रेड किया था, फिर लैब अपग्रेड करी थी, उसके बाद एयर डिफेंस, फिर उसके बाद आर्चर टावर पर लगा मैं। तो मैंने प्रॉपर एक जो है प्लान बनाकर चला था कि मुझे क्या क्या चीज़ें अपग्रेड करनी है टाउन हॉल 13 पर आते ही। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि मैं एक वीडियो अपग्रेड प्लान के ऊपर भी बनाऊँ तो आप कमेंट में मेंशन कर दिएगा। मिस्टेक नंबर 6, वेस्टिंग योर जेम्स।
दोस्तों क्या होता है कि कुछ प्लेयर जो नए नए आते हैं वो जैसे ही गेम स्टार्ट करते हैं अपना, तो वो जेम्स वेस्ट करना शुरू कर देते हैं। कोई भी चीज़ हो, अपग्रेड हो रही हो, उसे इंस्टेंट अपग्रेड करेंगे और जेम्स वेस्ट करते रहेंगे। उनके पांच बिल्डर होते नहीं हैं, पांच बिल्डर होने से पहले वो जेम्स वेस्ट करने लगते हैं और दो ही बिल्डर या तीन बिल्डर में ही वो गेम खेलते हैं। तो ये भी एक मिस्टेक जो है बिगिनर्स करते हैं। मिस्टेक नंबर 7, इग्नोरिंग इवेंट्स। अब दोस्तों क्या होता है कि वो तो आज मतलब बिगिनर्स भी नहीं, उसके बाद भी कुछ लोग हैं जो प्लेयर्स हैं करते हैं कि इवेंट्स जो हैं उन्हें इग्नोर करते रहते हैं। जैसे क्लेन गेम्स हुआ, या फिर मंथली चैलेंजेस जो आते हैं उसमें जितने भी इवेंट होते हैं उनके चैलेंजेस कंप्लीट नहीं करते, क्योंकि उनके भी अच्छे खासे रिवॉर्ड मिलते हैं, जेम्स भी मिलते हैं और बुक्स भी मिलती हैं। और यहाँ पर जो डेली इवेंट्स आते रहते हैं, कुछ न कुछ एवरी वीक न्यू इवेंट्स आते हैं, उन्हें भी लोग बाग मिस करते हैं। यहाँ पर से भी कुछ मैजिकल आइटम्स मिलते रहते हैं, जेम्स मिलते हैं, तो इनसे अपग्रेड होने में काफ़ी हेल्प मिलती है और गेम जो है और ज़्यादा इंटरेस्टिंग होता है। तो ये भी कुछ मिस्टेक्स हैं जो लोग करते हैं। मिस्टेक नंबर 8, डोंट नो अबाउट ट्रूप्स बिहेवियर। दोस्तों क्या होता है कि कुछ प्लेयर जो हैं वो गेम खेल रहे हैं, जो बिगिनर्स हैं, तो उन्हें मतलब अपने ट्रूप्स का बिहेवियर के बारे में ही नहीं पता होता कि भैया ये कैसे वर्क करेगा, किस तरह से जाएगा और किस तरह से बेस में ये जाता है, किस तरह से बिहेव करता है जब हम ट्रूप को डिप्लॉय करते हैं। आधे लोगों को तो बुड्ढे की एबिलिटी का ही नहीं पता, वार्डन की एबिलिटी का ही नहीं पता। वो सोचते हैं कि ये हील करता है, जबकि वो हील नहीं करता है। जब उसे हम एबिलिटी देते हैं तो प्लेयर ट्रूप्स जितने भी हैं उसके सर्कल में आते हैं, वो इनविंसिबल हो जाते हैं। तो लोगों को बिहेवियर का ही नहीं पता है। मिस्टेक नंबर 9, मेकिंग ईजी बेस। तो दोस्तों क्या है कि कुछ प्लेयर का सारी अपनी जो क्रिएटिविटी है, मतलब ड्राइंग्स, आर्ट जो है, वो सारी गेम के बेस के अंदर उतार देते हैं। मतलब फूल पत्तियाँ, डिज़ाइन, ये सब चीज़ें, ये एक स्ट्रेटेजी गेम है यार। तुम अपना बेस ऐसा बनाओ कि कोई भी यहाँ से लूट कर ना ले जाए पाए कुछ भी, और स्टार भी ना कर पाए आपको। तो दोस्तों ये है कि कुछ लोग इतना आसान बेस बना देते हैं, बहुत ही ईजी बेस बना देते हैं अपना गेम के अंदर, जिससे कोई भी उनके लूट लाट के चला जाता है। दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि मैं एक वीडियो बेस से रिलेटेड ही बनाऊं तो कमेंट में मेंशन कर दिएगा, मैं एक वीडियो बेस से रिलेटेड भी बना दूंगा और कुछ बेस जो है उनके लिंक्स भी साथ में शेयर कर दूंगा, जो हार्ड बेस होंगे, टफ बेस होंगे, जिनको स्टार ना कर पाए, या फिर फार्मिंग बेस, इससे रिलेटेड मैं एक वीडियो बना दूंगा। मिस्टेक नंबर 10, स्टिल नॉट सब्सक्राइब माई चैनल। दोस्तों क्या है कि मेरे चैनल पर क्लैश ऑफ क्लैन से रिलेटेड इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ आती रहती हैं, अटैक्स से रिलेटेड वीडियोज़ आती रहती हैं, चैलेंजेस से रिलेटेड वीडियोज़ आती रहती हैं। जो भी नए चैलेंजेस आते हैं मैं सबकी अटैक स्ट्रैटेजी आपको बताकर रहता हूँ, करके बताता हूँ, दिखाता हूँ, सही से सिखाता हूँ। और इवेंट से रिलेटेड मेरे गेम में रिलेटेड वीडियोज़ आती रहती हैं मेरे चैनल पर। तो दोस्तों मेरे चैनल को आप ऐसी वीडियोज़ के लिए जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए दोस्तों, और बेल आइकन ना दबाना भूलें। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।